हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ऑटो स्क्रीन ऑफ के बारे में। जैसे कि हम ऑटो स्क्रीन ऑफ को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है। तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग में जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर जाना है और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और ये देखिए ऑटो स्क्रीन ऑफ, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से आइकन शो करेगा और आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जैसे कि 15 सेकंड है, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, यानी कि जितना आप यूज़ करना चाहते हैं उतना यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने 15 सेकंड में कर लिया, तो मैं 15 सेकंड तक अपनी स्क्रीन को टच नहीं करूँगा, तो ऑटोमेटिकली 15 सेकंड बाद मेरी स्क्रीन जो है वो ऑफ हो जाएगी। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 सेकंड पर मेरी स्क्रीन जो है वो ऑफ हो गई है। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और जितना आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, जैसे कि 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, तो मैं यहाँ पर 30 मिनट कर लेता हूँ। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक और तरीका उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले सेटिंग पे जाएंगे और आपको इस तरीके से आइकन शो करेगा। आपको सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। क्या सर्च करना है, ऑटो स्क्रीन ऑफ, तो यहाँ पर शो हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यूज़ कर सकते हैं।